ध्वज शौर्य का प्रतीक होता है, फिर वो ध्वज देश का हो या धार्मिक स्थान का। कोरोना काल में लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते कोचिंग सिटी के कई मंदिरों में नए ध्वज नहीं लगाए जा सके। ऐसे में कांग्रेस नेता क्रांति तिवारी ने अनूठी पहल करते हुए शहर के उन तमाम मंदिरों पर ध्वज लगाने का अभियान शुरू किया जहां लंबे अरसे से ध्वज नहीं बदले गए थे। वहीं शहर के प्राचीन मंदिरों में भी देवस्थान विभाग की अनदेखी के चलते ध्वज नहीं बदले गए, तो कांग्रेस नेता ने अपनी टीम के साथ सैकड़ों की तादाद में ध्वज तैयार करवाए और अब इन ध्वजों को शहर के सभी मंदिरों पर लगाया जा रहा है। पिछले साल कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भी कांग्रेस नेता क्रांति तिवारी ने शहर के सभी मंदिरों में पूजन सामग्री उपलब्ध करवाई थी और इस बार भी उन्होंने अनूठी पहल करते हुए मंदिरों में नए ध्वज लगाने का अभियान चलाया है। ये एक्चुअली हम कोई भी ध्वजा, धर्म ध्वजा जो होती है हर जगह, कोई मंदिर हो, कोई धर्म हो, या कोई देश हो, या कोई खिलाड़ी हो, हर वर्ग का एक ध्वजा उसका शौर्य का प्रतीक होता है। और शौर्य मंदिर में ध्वजा हर समय खिली और एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। अभी लॉकडाउन लगातार चल रहा है, 1.5 साल होने को आया, मंदिर बंद पड़े हैं, व्यापार बंद पड़े हैं, दुकानें बंद पड़ी थी, तो मंदिरों में कई जगह पुरातत्व वाले बदलते ही नहीं हैं, तो प्राचीन मंदिरों के ध्वजाएँ बिल्कुल फट चुकी हैं। तो हमने इस बार नई पहल करते हुए, आज 11 का दिन है, निर्जला 11 है, तो हमने इसमें आज पहल करी है कि शहर के ऐसे मंदिरों पे हम लोग सब लोग मिलके, शहर का कोई ऐसा मंदिर नहीं बचे जहाँ पर ध्वजा ना लहरा रही हो। तो हम सब लोग ये जो ध्वज है पीले रंग का, ये राधा कृष्ण का प्रिय प्रेम का प्रतीक है, और ये ध्वज लाल रंग का हमारे बजरंगबली के चढ़ता है, माता जी के चढ़ता है। तो हमने ये पहल शुरू करी है, हमारे धोकर वाले हनुमान जी, गणेश जी महाराज के सब जगह हम चढ़ाते हुए आ रहे हैं और ये क्रम हमारा लगातार जारी रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि कोई कोटा शहर का एक भी मंदिर बिना ध्वज का ना रहे। हमारे पुजारी जी हैं यहाँ के इस मंदिर के, इन्होंने भी पूरा सहयोग हमें किया। अभी कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।